हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे स्टेंजर के SPV2 के एम्पलीफायर के बारे में। दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किया था कि इस एम्पलीफायर का रिव्यू कीजिए, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको इस एम्पलीफायर की रिव्यू मिलेगी, पूरी डिटेल और पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, थोड़ी भी स्किप ना करें। अगर वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट कीजिएगा। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको जानकारी नहीं मिलती है जो आप जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, फिर उसके ऊपर आपको दोबारा वीडियो बनाकर मैं दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको भी किसी भी कंपनी के एम्पलीफायर के बारे में जानकारी चाहिए या अगर आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और जो भाई पर्सनल हेल्प चाहते हैं तो उस भाई को मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल में ज्वाइन बटन से जाकर हमारे मेम्बर बन जाइए, वहाँ से आपको पर्सनल हेल्प मिलेगा और वहाँ से आपको रिपेयरिंग भी सिखाया जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भाई पर्सनल हेल्प चाहते हैं तो वो हमारे ज्वाइन बटन से जाकर हमारे मेंबर बन सकते हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ की रिपेयरिंग सिखाई जाएगी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और बेल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे SPV2 के एम्पलीफायर के फ्रंट साइड के बारे में। दोस्तों इसके फ्रंट साइड में सबसे पहले आपको इस एम्पलीफायर का मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर इस कंपनी का स्टैंडर्ड नेम देखने को मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको एक पावर LED इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, उसके बाद आपको ग्रीन जो चेक LED आपको देखने को मिल जाता है, फिर येल्लो या टेम्परेचर LED आपको देखने को मिल जाता है, उसके बाद आपको एक लाइन हाई LED देखने को मिल जाता है, उसके बाद आपको प्रोटेक्ट की LED देखने को मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको दोनों चैनल की वॉल्यूम देखने को मिल जाता है, चैनल ए का ये वॉल्यूम है और चैनल बी का ये वॉल्यूम है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको तीन रेड कलर की LED दिख रही है, दो पिक की LED है, ये दोनों पिक की LED है, और ये जो पुश स्विच लगा हुआ है ये ब्रिज मोड की पुश स्विच है। जब इस एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में हम डालेंगे तो इसकी ये LED ग्लो करने लगेगी, ठीक है। तो इस स्विच को जब हम ब्रिज मोड में क्लिक करेंगे, इस एम्पलीफायर को जब ब्रिज मोड में हम चलाएंगे तो हमारी ये LED ग्लो करेगी। अब चलिए दोस्तों इसकी बैक साइड की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसके बैक साइड में आपको बनाना सॉकेट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको स्पीकर या टॉप कनेक्ट करने के लिए होता है। चैनल ए का ये रहा और चैनल बी का ये। दोस्तों इसके अंदर आपको बनाना सॉकेट मिलेगा, स्पीकर ऑन का ऑप्शन नहीं है, और इनपुट देने के लिए आपको XLR का भी ऑप्शन मिल जाता है और नॉर्मल जैक का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों अगर आप इस एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में चलाएंगे तो ब्रिज मोड में चलाने के लिए आपको चैनल ए में इनपुट देना पड़ेगा, और चैनल ए में जब इनपुट देंगे तो इसका वॉल्यूम भी है आपको चैनल ए का ही काम करेगा, और फ्रंट साइड में मैंने आपको जो स्विच बताया है उस स्विच को आपको प्रेस करना है। इस एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में चलाना है तो ब्रिज मोड में आपको चैनल ए में इनपुट देना है और वॉल्यूम भी चैनल ए का काम करेगा, और ब्रिज का जो कनेक्शन होगा टॉप या स्पीकर अगर आपको कनेक्ट करना है तो एक वायर यहाँ पे लगाना है और एक वायर यहाँ पे लगाना है। जैसा कि आपको यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिल जाता है कि 4 ओम पर ब्रिज मोड इसका काम करेगा, तो 4 ओम पर आप 2 स्पीकर चला सकते हैं, 1-1000 वाट का आप बेस भी चला सकते हैं। अगर ब्रिज मोड में चलाएंगे तो आप 1-1000 वाट का 2 बेस चला सकते हैं जो इजीली एम्पलीफायर रन कर देगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप इसके ऊपर टॉप ही चलाएँ। ये एम्पलीफायर टॉप के लिए बहुत ही बेहतर है और टॉप इसके ऊपर अच्छा से वर्क करता है और साउंड क्वालिटी भी अच्छी देता है। तो दोस्तों आप इसके ऊपर टॉप यूज़ करें तो बेहतर रहता है। ब्रिज मोड का ये फंक्शन है कि 4 ओम पर वर्क करेगा और एक कनेक्शन वायर की कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगी, एक वायर की कनेक्शन यहाँ पे हो गई। तो दोस्तों ये था इस एम्पलीफायर का जो स्पेसिफिकेशन होता है, इस एम्पलीफायर की रिव्यू वीडियो। अब दोस्तों समझ लेते हैं इस एम्पलीफायर के 8 ओम, 4 ओम और 2 ओम में आपको कितना आउटपुट मिलेगा। दोस्तों इस एम्पलीफायर के 8 ओम पर आपको 400 वाट प्लस 400 वाट का आउटपुट मिल जाएगा, 4 ओम पर आपको 700 वाट प्लस 700 वाट का आउटपुट मिल जाएगा, 2 ओम पर आपको 1000 वाट प्लस 1000 वाट का आउटपुट मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एम्पलीफायर के 8 ओम पर आपको 400 वाट प्लस 400 वाट का आउटपुट मिल जाएगा, तो इस कंडीशन में आप सिंगल स्पीकर 400 वाट का चला सकते हैं पर चैनल ए, यानी चैनल ए में एक स्पीकर चलाएंगे 400 वाट का 8 ओम का, और चैनल बी में भी आप 400 वाट का 8 ओम का स्पीकर चला सकते हैं जो इजीली एम्पलीफायर रन कर देगा, और 4 ओम पर आपको 700 वाट प्लस 700 वाट का आउटपुट मिल जाएगा, तो इस कंडीशन में आप 4 ओम पर 350 वाट 350 वाट के 2 स्पीकर या 300-300 वाट के 2 स्पीकर चला सकते हैं। लेकिन स्पीकर जो होगा 8 ओम का होगा, दोनों स्पीकर पैरेलल में कनेक्शन होंगे
तो इसका एपीडेंस जो 4 ओम हो जाएगा। तो 4 ओम पर इजीली आप 2 स्पीकर चला सकते हैं, 300 300 वाट का चलाएं या आप 350 350 वाट का 2 स्पीकर चलाएं, दोनों स्पीकर आप इसके ऊपर चला सकते हैं। लेकिन बेस नहीं चला सकते क्योंकि इतने कम वाट का बेस नहीं आता। अगर बेस मिल भी जाएगा तो साउंड क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। तो आप टॉप ही चलाएं 350 350 वाट का 2 स्पीकर पर चैनल, यानी एक चैनल में आपको 2 स्पीकर चलाना है 4 ओम पर और दूसरे चैनल में भी आपको 2 स्पीकर चलाना है 4 ओम पर। और 2 ओम पर आपको 1000 वाट प्लस 1000 वाट का आउटपुट मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में आप पर चैनल 250 वाट के 4 स्पीकर चला सकते हैं पर चैनल। चैनल ए में भी आप 250 वाट का 4 स्पीकर चलाएंगे और चैनल बी में भी आप 50 वाट का 4 स्पीकर चला सकते हैं, जो इजीली ये एम्पलीफायर रन करेगा। आपको कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। दोस्तों अगर आपको इस एम्पलीफायर के ऊपर बेस चलाना है तो ब्रिज मोड में आप बेस चला सकते हैं। ब्रिज मोड में आपको 4 ओम पर 2000 वाट का आउटपुट मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में आप 1000 वाट का 2 स्पीकर चला सकते हैं इस एम्पलीफायर के ऊपर ब्रिज मोड में, अगर आपको बेस चलाना है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको टॉप के लिए यूज़ करें तो बेहतर रहेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ किसी नए कंटेंट के साथ। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।